आपने बरातें तो बहुत देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन बिना डोली की बारात ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। पर यह सच है कि बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल ये अनोखी बारात आती है। सबसे अनोखी बात यह देखने को मिलती है कि इस बारात में ना दूल्हा होता है और ना ही दुल्हन, लेकिन बारात में हजारों बाराती डोली और दहेज के साथ शामिल रहते हैं। इस अनोखी बारात की परंपरा 1000 साल पुरानी है। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ माह में मेला लगता है जो एक माह तक चलता है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू संप्रदाय के 80% श्रद्धालु शिरकत करते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी तरह से अकीदत पेश करते हैं। कोई त्रिशूल गाड़कर गाजी बाबा की पूजा अर्चना करता है तो कोई फातिया करके अकीदत करता है। किसी पर किसी तरह की पाबंदी या रोक नहीं है। आमतौर पर किसी दरगाह पर नाच गाने, ढोल तमाशे, गोले पटाखे दागने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ गाजी के दीवाने एक माह तक झूमते, नाचते, गाते, गोले पटाखे दागते देखे जाते हैं। बारात लाने की परंपरा मुराद पूरी होने से जुड़ी है। जिसकी मुराद पूरी होती है वो बारात लेकर आता है। बारात को लेकर यहाँ एक अलग तरह की मान्यता है। बताया जाता है कि गाजी बाबा की शादी नहीं हुई थी। बाराबंकी के रुदौली शरीफ के नवाब रुकनुद्दीन की बेटी जोहरा बीबी, जो दोनों आँखों से अंधी थी, उनकी माँ ने अपनी बेटी की आँखों की रोशनी के लिए गाजी दरगाह में मन्नत मांगी। आलम यह हुआ कि मन्नत के बाद जोहरा बीबी की आँखों में रोशनी आ गई। आँखों में रोशनी आने के बाद जोहरा बीबी इस दरगाह पर ही रह गई, अपने घर नहीं गई, क्योंकि जोहरा बीबी की शादी तय हो चुकी थी। जब आंखों में रोशनी आने के बाद जोहरा बीबी ने दरगाह छोड़कर जाने से इनकार कर दिया तो परिजन उनकी शादी के लिए रखा दहेज भी लेकर यहीं पहुंचा गए। तभी से मुराद पूरी होने पर बारात लाने की परंपरा शुरू हुई। हजारों सालों में दुनिया में न जाने कितने रूप बदले हों, लेकिन यहाँ की परंपरा, आस्था और विश्वास कभी कम नहीं हुई। यही वजह है कि मन्नतें पूरी होने पर इस गाजी और गौतम की सरजमी पर इस मेले के दौरान हजारों की संख्या में जायरीन बिन दूल्हे की बारात लेकर आते हैं। प्रदेश से लगातार बारातों का सिलसिला जारी है। आखिर बिन दूल्हे के कैसे आती है बारात, इस पूरी बात बताएं सर। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है, यहाँ का हजारों साल से मेला लगता आ रहा है। मेले का, बारातों का सिलसिला जो है वो जोहरा बीबी से जुड़ा हुआ है। जोहरा बीबी तकरीबन रुदौली की रहने वाली थी, वो ब्लाइंड थी। उनकी एक मन्नत थी कि जहाँ पर हम ठीक हो जाएंगे वहाँ भी सेवा करेंगे, तो वो यहाँ पर सेवा करती रही है। और उनके घर वाले जो भी दान दहेज का सामान रखे थे वो यहीं पर उनका इंतकाल हो गया, यहीं पर उनकी मज़ार बनी हुई है। उनका दान दहेज भी ला कर यहीं चढ़ावा किया, वहाँ से वो बरातों का सिलसिला शुरू हुआ। जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक लोग लेके आते हैं, दिल्ली बम्बई से यहाँ सभी जगह से लोग आए हुए हैं, बड़ी दूर से आए। सभी 300 के ऊपर बरातों का सिलसिला आज होगा, जो रात भर चलेगा, कल दोपहर तक खत्म होगा। पड़ोसी देश नेपाल में भी बारात आती है। अध्य जी, लोग इस बारात को बिन दूल्हे की बारात कहते हैं, इसका क्या है? इसका ये है कि सरार मसूद गाजी एकदम उम्री में इंतकाल हो गया, उनसे ज्ञान नहीं हुआ था। ये एक अदायगी है सारी, जो जोहरा बीबी के घर वालों से शुरू हुई है, जो सभी के घर में पूरे हिंदुस्तान के लोगों में चली गई है। वही बारात में जाते हैं लोग, चढ़ावा के चलने में करते हैं। इस मेले में लगभग कितने आदमी आते हैं? मेला आज 2 साल कोविड की वजह से बंद था। काफ़ी लोग उम्मीद रखे हुए थे, लेकिन जब बारातों मेले का शुरुआत हो, बारातों की शुरुआत हो, तो हम लोग इकट्ठा हुए। आज वही सभी लोग आए हुए हैं और 3 किलोमीटर की रेडियस में पूरा कैंपस भरा हुआ है और सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, बारात जा रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं, अपनी मन्नत मान रहे हैं, अपनी मुरादें मान रहे हैं और जो भी मुरादें पा चुके हैं उनकी अदायगी कर रहे हैं। प्रशासन ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए? मेले से पहले प्रशासन की बैठक 1 महीना पहले होती है, इंतजामी कमेटी की बैठक होती है। इंतजामी कमेटी उनसे सहयोग मांगती है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, 9 मई को बैठक हुई थी। उसमें जिलाधिकारी महोदय ने सारे अधिकारियों को सहयोग के लिए ही लगाया था कि मेले की जो भी सुविधा हो उसमें आप सहयोग करें। सारे अधिकारी लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ, पूरे जोर की पुलिस आई हुई है। इस मेले में करीब करीब 14 CO आए हुए हैं, जो काफ़ी दर्जनों इंस्पेक्टर आए हुए हैं, पुलिस काफ़ी मात्रा में है और सभी लोग अपनी ड्यूटी अंदाज़ में हैं।